Hello everyone, how are you all? Today is Hindi lecture. Now we will do the next exercise of chapter 7, Meri Kitab. Meri Kitab ki aaj hum next exercise karenge. Prashno ke uttar dijiye means question answer. Okay, so let's start. Maa ne waako bade ki matra bhi, raako bada ho ki matra ru bhi ru, kaako o ki matra ko, kaako choti ki matra ki, sa kaako e ki matra ke, kiske? पाको आ की मात्रा पा और शा पास, भाको ए की मात्रा भेज, आको आ की मात्रा जा भेजा। माँ ने वीरू को किसके पास भेजा? माँ ने वीरू को किसके पास भेजा था? अपनी बहन के पास, मतलब वीरू की मौसी के पास। ओके, सो आंसर हम कैसे राइट करेंगे? माँ ने वीरू को, अब ये किसके की जगह में आंसर क्या आता? अपनी बहन के पास। ठीक है, तो कैसे राइट करेंगे? आ पा ना को बड़ी की मात्रा नी, अपनी बहन बहन के पास भेजा। माँ ने वीरू को अपनी बहन के पास भेजा। किसके की जगह में आपको क्या याद रखना? अपनी बहन। बाकी तो आपका पूरा क्वेश्चन में ही मिल जाएगा। ठीक है, माँ ने वीरू को अपनी बहन के पास भेजा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। वीरू आधा का या को ओ की मात्रा यो ऊपर अम की मात्रा क्यों? अचरज अचरज सा को ए की मात्रा से ठिठक गई। वीरू क्यों अचरज से ठिठक गई? जैसे ही वो मौसी के घर गई तो वो अचरज से ठिठक गई थी। तो क्यों अचरज से ठिठक गई थी? क्योंकि उसने बहुत सारी किताबें देखी थी। ठीक है, तो आंसर कैसे राइट करेंगे? बहुता बहुत, शाको आ की मात्रा शा, राको बड़ी की मात्रा री शारी, काको छोटी की मात्रा की, ताको आ की मात्रा ता, बाको ए की मात्रा बे किताबे, देख कर देख कर वीरू अचरज से ठिठक गई। बहुत सारी किताबें देखकर, क्या देखकर? बहुत सारी किताबें देखकर वीरू अचरज से ठिठक गई। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। वीरू क्यों घबरा गई? वीरू क्यों घबरा गई थी? तो बहुता बहुत, माँ को ओ की मात्रा मोटा, को बड़ी की मात्रा थी मोटी, का को छोटी की मात्रा की, ता को आ की मात्रा ता और बा किता, दा को ए की मात्रा दे, ख कर देख कर वीरू घबरा गई। जब वो उसकी मौसी उसको किताब दे रही थी तो सबसे पहली किताब उसने बहुत मोटी निकाली थी, तो इतनी मोटी किताब देख के वो घबरा गई कि मैं कैसे पढ़ूंगी इतनी मोटी किताब, मैं तो इतनी छोटी हूँ, है ना, इसलिए वो घबरा गई थी। तो बहुत मोटी किताब देखकर वीरू घबरा गई। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। मौसी ने वीरू को फुट्टा लाने को क्यों कहा? मौसी ने वीरू को फुट्टा, फुट्टा मतलब क्या होता है? स्केल, ये लाने के लिए क्यों कहा था? क्योंकि उसको किताब पसंद नहीं आई थी, कोई मोटी थी, कोई पतली थी, कोई छोटी थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे कौन सी किताब लेनी चाहिए। तो मौसी ने उसको कहा था कि अगली बार फुट्टा ले आना, स्केल ले आना और माप के ले जाना कि कितनी बड़ी किताब चाहिए। ठीक है, वीरू न प कर नाप कर किताब पसंद करे। वीरू नाप कर किताब पसंद करे, इसलिए मौसी ने वीरू को फुट्टा लाने को कहा कि अपने मन से माप कर किताब ले जाना फुट्टा लेकर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है। किसने किससे कहा? मींस हु सेड टू हूम। क्या आपके पास बच्चों के लिए भी किताबें हैं? ऐसा किसने पूछा था? क्या आपके पास बच्चों के लिए भी किताबें हैं? तो दोनों का किसका कन्वर्सेशन चल रहा है? वीरू का और मौसी का। तो बच्चा कौन है इसमें? वीरू है, तो उसने अपनी मौसी से पूछा। ठीक है, तो वीरू ने मौसी से पूछा, क्या पूछा था? कि आपके पास बच्चों के लिए भी किताब है? तो उत्तर में हम क्या लिखेंगे? आंसर को हम हिंदी में क्या लिखते हैं? उत्तर। तो वीरू ने मौसी से पूछा। नाउ नेक्स्ट है, तुम्हें किस तरह की किताबें अधिक पसंद है? तुम्हें किस तरह की किताबें अधिक पसंद है? ऐसा किसने पूछा था? मौसी ने वीरू से पूछा था। तो उत्तर में क्या लिखेंगे? मौसी ने वीरू से पूछा। नाउ नेक्स्ट नंबर। यह बहुत बड़ी है, मेरे बस्ते में नहीं आएगी। यह तो बहुत बड़ी है, मेरे बस्ते में, बस्ते मतलब क्या होता है? बैग, स्कूल का जो बैग होता है उस पर नहीं आएगी, बहुत बड़ी, इसलिए तो यह बहुत बड़ी है, मेरे बस्ते में नहीं आएगी। तो ऐसा किसने कहा? वीरू ने कहा। किससे कहा? मौसी से कहा। वीरू ने मौसी से कहा। नाउ नेक्स्ट नंबर।
ऐसा करना अगली बार तुम पुट्टा लेती आना। ऐसा किसने कहा था? मौसी ने कहा था, क्योंकि उसे किताब पसंद नहीं आ रही थी तो बोले पुट्टा लेकर आना। तो मौसी ने वीरू से कहा ऐसा करना अगली बार तुम पुट्टा लेती आना। तो किसने कहा? मौसी ने वीरू से कहा। ठीक है, इस तरह से आप राइट करने के बाद क्या करोगे? लर्निंग करोगे। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन बाय बाय।